फ्रेंड्स, कुछ याद आया? अगर आया तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के इस ऐप में हम नरेंद्र मोदी जी के किसी भाषण पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम बना रहे हैं एक ऐप पे जिसका नाम है मित्रों। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से एक ऐप काफी चर्चा में है और काफी धमाल मचा रहा है। नाम का ऐप है मित्रों। अभी तक इसके 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं और कंपनी का दावा है कि ये हर दिन ऑलमोस्ट 5 लाख और डाउनलोड हो रही है, यानी कि रोज 5 लाख ऐड हो रहे हैं इसमें डाउनलोड्स। पर एक विवाद भी है इस ऐप से घिरा हुआ कि ये जो ऐप है ये हूबहू कॉपी है टिकटॉक की। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इस ऐप का बैकग्राउंड बता देते हैं। ये ऐप ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले डेवलप हुआ था और इसे डेवलप किया था एक आईआईटी के पास आउट ने। जी हाँ, ये नाम सुनते ही दिमाग में ठनकता है कि भैया आईआईटी का बंदा है, एकदम मस्त चीज बनाएगा, एकदम अनोखी चीज बनाएगा और दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल एरिना में ये कम्पीट करने के लिए रेडी होगा। पर सच में क्या ये कम्पीट करने के लिए रेडी है, आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक और चीज से बात कर लेते हैं कि अचानक से ये मित्रों ऐप इतना पॉपुलर क्यों हो गया। पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक और यूट्यूब का विवाद चल रहा है, बहुत सारा उधर हड़कंप मचा हुआ है, बहुत मारामारी मच रही है कि भैया यूट्यूब के क्रिएटर्स कह रहे हैं कि टिकटॉक खराब है, टिकटॉक के कह रहे हैं कि यूट्यूब खराब है। और इसी चक्कर में दो वीडियोस भी बैन हो गए, एक कैरी मनाटी का वीडियो बैन हो गया और एक सिद्दीकी भाई साहब हैं जो टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका भी वीडियो बैन हो गया क्योंकि उन्हें ग्लोरीफाई किया था एसिड अटैक। और इन सब के बीच में लोगों को लगने लगा, अगर काश कोई हिंदुस्तानी ऐप होता जो कि टिकटॉक को टक्कर दे सकता है तो मजा रहता। और वहीं नाम आता है मित्रों का। वहीं मित्रों ने अपनी अमिताभ बच्चन की तरह डैशिंग एंट्री मारी और बोला, लो भाई मैं पेश करता हूं एक हिंदुस्तानी ऐप, यूज करो और भूल जाओ टिकटॉक। लेकिन क्या सच में ये टिकटॉक को टक्कर दे सकता है? टक्कर देने के लिए किसी प्रोडक्ट में उसमें कुछ नई फीचर्स होने चाहिए जो पहले प्रोडक्ट में अवेलेबल है, उनसे बेटर होने चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों टिकटॉक और साथ ही साथ मित्रों का यूजर इंटरफेस देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिवाय नीचे थोड़े आइकन के डिजाइन, एक दो आइकन के डिजाइन चेंज कर दिए और जो अपलोड वाला डिजाइन है उसका खासकर थोड़ा सा ज्यादा ही चेंज कर दिया है। उसके अलावा जो फंक्शनैलिटी आपको टिकटॉक में मिलती है, जैसे टिकटॉक में आपको दिखता है, वो आपको इस ऐप में भी मिल रहा है। राइट स्वाइप करने से आपको प्रोफाइल दिख जाता है, वो आप देख सकते हैं, एकदम वैसा का वैसा ही है। और साथ ही साथ इसमें जो पूरा का पूरा वीडियोस का फॉर्मेट है, वीडियोस में कहां पर क्या एलिमेंट रहेंगे, जो चार के लास्ट साइड में जो चार आइकन्स होते हैं वो भी एकदम डिट्टो सेम है। तो अनोखा क्या है? अनोखा के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ अनोखा नाम है इसका। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है कमियां और ये क्यों नहीं दे सकता है टिकटॉक को फिलहाल चैलेंज। किसी भी ऐप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूजर पॉलिसी, कि जो भी डेटा वो यूजर से ले रहा है वो कैसे उसको सेव कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। और अगर मित्रों की बात करें, मित्रों में जैसे ही आप अकाउंट खोलेंगे तो बोलेगा कि लिंक फ्रॉम जीमेल और साथ ही साथ बोलेगा कि नीचे लिखा होता है कि आप एडहेयर करते हैं हमारी पॉलिसीज को, और उस पॉलिसी को क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, खाली नाम के लिए लिख दिया है, वहां पर कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी डेटा हमारा वहां पर जा रहा है, क्योंकि वो सिंक कर रहा है जीमेल से, अभी एक ही ऑप्शन देके रखा है कि आप जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि हमारे डेटा के साथ क्या करेगा। क्या ये एक साजिश है हमारा डेटा लेने की और उसको मिसयूज करने की? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी ऐसी न्यूज आ रही है जहां पर लोग डेटा का मिसयूज कर रहे हैं और डिफरेंट एप्स के थ्रू, डिफरेंट स्पैम्स के थ्रू डेटा लिया जा रहा है। तो यहां पर मित्रों बिल्कुल फेल हो चुका है, कोई भी पॉलिसी नहीं दी है, कोई गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर है कि नहीं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, उन लोगों की कुछ इनिशियल रिएक्शंस क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वाले ऐप में काफी सारे बग हैं और उसकी वजह से वो वीडियोस को ढंग से अपलोड नहीं कर पा रहे। उसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि इसमें एडिटिंग के बहुत कम ऑप्शंस हैं, तो वो अपने वीडियो पे टिकटॉक की तरह चार चांद नहीं लगा सकते। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है ये ऐप काफी स्लो है। स्लो का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि जब हम इसको यूज कर रहे थे हमें इसमें स्लोनेस नजर नहीं आ रही थी।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं 100 बात की एक बात, क्या सच में मित्रों टिकटॉक को चैलेंज दे सकता है? आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी मित्रों टिकटॉक को चैलेंज देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ अनोखापन वो नहीं दे रहा है, जितने भी फीचर्स हैं इवन वीडियो अपलोड करने का जो स्टाइल है वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है टिकटॉक की तरह। कुछ नयापन नहीं ला रहे, कुछ नए फिल्टर्स नहीं लाए हैं, कुछ नए सर्च बार्स नहीं लेकर आए हैं, बिल्कुल रेप्लिका बना दिया है आइकन्स चेंज करके, और उससे बड़ी बात सिक्योरिटी का कंसर्न को एड्रेस नहीं किया है। कि फ्रेंड्स एक हिंदुस्तानी कंपनी अगर बना रही है कोई ऐप तो उसमें हमेशा लगता है कि वो हिंदुस्तानियों का फायदा सोचेगी, हिंदुस्तानियों की डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करेगी, क्योंकि वो उसके अपने देश के लोगों का डेटा की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर तो ये सब नकारत है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक और चीज भी है कि जब भी कोई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट आता है या कोई सर्विस आती है, दिल कहता है कि भैया यूज करो, इसका इस्तेमाल करो, इसको प्रोत्साहन दो, लेकिन क्या सच में मेक इन इंडिया की मोहरी काफी है हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए? क्वालिटी कोई चीज हमारे लिए मायने नहीं रखती, या उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखती? फ्रेंड्स ये सोचने की बात है, क्योंकि मेक इन इंडिया ग्लोबल लेवल पे तभी हिट हो सकता है जब हमारे डेवलपर्स या फिर हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले ग्लोबल स्केल पे सोचे, और वो ये ना सोचे कि हमारा प्रोडक्ट बस लॉन्च कर दिया, बस नाम हमारा, बस मेक इन इंडिया की मोहर लगी है उसके दाम पे चलेगा। अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, अगर आप बड़ा सोचोगे तो तरक्की करेगा हिंदुस्तान। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।